गाइस आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो ऑफ फुकरा इंसान्स एल्बम जिसका नाम है टाइमलेस लव और जो आज का गाना है वो है काजल। अब भाई ये काजल सुन के मेरे को थोड़ा मतलब क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है कि काजू कतली तो नहीं है, मतलब गा फुकरा इंसान रहा है लेकिन शब्द है ट्रिगर इंसान के। बट एनीवेज गाइस वो तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती रहेंगी, हम तो भाई कंट्रोवर्सी करते रहेंगे फालतू वाली। और अभी तक इस एल्बम में मैं टोटल 2 गाने सुन चुका हूँ भाई, मेरा दिल जीत चुका है भाई, सच में मजा आ गया है, बैंगर आफ्टर बैंगर है भाई सारे गाने इसमें। और गाइस मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा ये सारे 7 गानों की, तो प्लीज सारे गानों पे जाके मेरा रिएक्शन वीडियो देखना। तो चलो गाइस फटाफट से गाना सुनते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप लोग को कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए वीडियो या गाने में तो प्लीज ओरिजिनल चैनल पे जाके पहले वीडियो या गाना सुनिए, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं बीच बीच में रोक के अपनी कमेंट्री करने वाला हूँ। अखियां विच पाले काजल हुण तेरी बस रेंदा या रात ए व्हाट डूड आई से ट्रिगर्ड इंसान काजू कतली और ट्रिगर्ड इंसान का पीछे गाना है, आई मीन वो जो गाना आया था तुम मेरे 2 का, भाई मैं प्रिडिक्ट कर लेता हूं भाई अभी 2 साल से जो भी मेरे को देखते आ रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा 90-100% प्रिडिक्शन मेरी सही बैठती है, बस 60-70% प्रिडिक्शन बैठती है भाई। जैसे कृष्णा एमिवे के बीफ में मैंने कितनी चीजें प्रिडिक्ट की थी, हनी सिंह बादशाह के बीफ में प्रिडिक्ट की थी, अब भाई ये भी प्रिडिक्ट कर लिया, क्या बात है। काजू कतली वाला गाना आई नो अनऑफिशियल है बट फिर भी हम तो बोलेंगे भाई, हम तो मजे लेने बैठे हैं। चलो आप प्रॉपर गाना सुनते हैं भाई, लेट्स गो। काजल हुण तेरी बस रेंदा या रात तेरे बिना दिखे और कोई ना, तेरे बिना दस की मैं कराऊं, अखियां विच पा लिया काजल हुण तेरी बस रेंदा या रात तेरे बिना ब्रो ये क्या बनाया है एल्बम यार, दिस इज माय 3rd सॉन्ग आई एम रिएक्टिंग टू एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन खतरनाक है भाई, ये तो बॉलीवुड लेवल को टक्कर दे रहे हैं यूट्यूबर्स, क्योंकि बॉलीवुड के क्या गाने आते हैं आपको पता है आजकल, वो कुछ नहीं कर रहे, वो रीमिक्स बना रहे हैं या तो साउथ का ट्रांसलेट मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे गाने जो बॉलीवुड रियल ऑथेंटिक बना रहे हैं। ये दोनों भाई जब कार्तिक का वर्स शुरू होता है ना भाई, वो लिटरली इधर घुस जाता है भाई। अरे भाई इन लोगों ने रोने का वो दिया है क्या भाई, तुम रो बैठ के ये गाने सुन के भाई, क्या है भाई इतना इतना इमोशनल है। भाई साहब देखो गाइस मेरा भी जो कुछ लाइफ में रिलेशनशिप्स रहा है ना वो दोनों ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा भाई की तरह रहा है। ट्रिगर्ड इंसान की जो बंदी थी वो किसी और से शादी करके सिंगापुर चली गई है काजू कतली, अब फुकरा इंसान की जो बंदी है वो आई थिंक शायद काट के गई है, उसका आई थिंक नहीं जमी थी वट एवर इट इज़, या पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ तो स्टोरी था मैं भूल गया, अब याद नहीं आ रहा, बट मेरे में तो भाई दोनों हो चुका है, मेरी भी जो एक्स है 2 एक्स की शादी हो चुकी है और 2 काट के गई है मेरा,
अब मैं क्या बोलूं भाई, कितनी गिनवाऊं, नहीं इतना इतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बट हाँ मेरा गंदे से भी कटा है और जिससे बहुत चाह चाह के प्यार किया है, वो भी शादी होके बैठी हुई है अभी सब। अब मुझे नहीं पता वो खुश है या नहीं है, भगवान जाने, बट वट एवर इट इज। इसलिए भाई ऐसे गाने सुनने में ज्यादा मजा आता है। जो बंदा अपना कटवा चुका है ना भाई, सच में भाई ये तो दिल को छू लेगा इसका पूरा एल्बम। और वैसे भी भाई हमारे देश में ना वन साइडेड लवर्स बहुत ज्यादा है, कतई ज्यादा है। लड़की को पता भी नहीं होता भाई लड़का कुत्ते वाला प्यार कर रहा होता है, बस लड़के को प्यार करना है। एनीवेज गाइस, ये वाला गाना मैं थोड़ा ये बोलूंगा, लिरिक्स थोड़े से मेरे को अगर थोड़े से और बढ़ जाते तो थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे 2:11 है ना, तो अगर 3 मिनट का होता ना, या कार्तिक का थोड़ा लिरिक्स बढ़ जाता, या कार्तिक का नहीं फुकरा भाई का, मेरे को थोड़ा लिरिक्स ज्यादा सुनने का था। मैं समझ आओ क्या काजू कतली वाला कुछ कुछ चंक्स, बट नहीं है यार, ठीक है नहीं डाला कोई बात नहीं। और जो पीछे ट्रिगु भाई का जो पीछे वीडियो चल रहा था ना, स्टॉक फुट स्टॉक तो नहीं बोलूंगा, वो तो तुम मेरे टू का है। और हां गाइस, मैंने पूरे एल्बम की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज सारे गानों पे जाकर रिएक्शंस देखना और प्लीज मुझे सपोर्ट करना। सो दैट्स इट गाइस, मैं हूं आपका वॉलीबी स्टार की डमर बेदी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूं मैं आपको, बाय बाय।